हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में आपने सीखा कि किस तरीके से हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये जो हमारा वीडियो है ये एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर है। पुराने वाले बुक में ये 3.4 दिया हुआ था, लेकिन अगर आप नए बुक को देखोगे ना तो वहाँ पर अब ये 3.3 कर दिया है। और इसके बाद वाला जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये डिलीटेड है। यानी कि 3.3 के बाद की कोई भी एक्सरसाइज आपको नहीं करने हैं, ठीक है। आपको केवल दो मेथड सीखना है। एक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड जो पहले सिखा दिया पिछले वाले एक्सरसाइज में, इस वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग पूरे जो भी जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मिला करके सारे क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमको दो इक्वेशन दिख रहे हैं इनको हमको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एलिमिनेशन से सॉल्व करना सीखेंगे, बाकी सब्स्टिट्यूशन से तो मैंने आपको सिखा ही दिया है, तो वो भी हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेंगे। एलिमिनेशन में करना क्या रहता है कि हमको इसमें से कोई एक को कट करना रहता है। जैसे या तो आप एक्स को कट कर दो या तो वाई को कट कर दो। कैसे कट करना रहता है ये जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से ना, तब समझ में आएगा। यहाँ 4 ही क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि आप लोग ना रेफरेंस बुक वगैरह जरूर यूज़ कीजिए, या तो आरडी शर्मा या तो आरएस अग्रवाल। आरएस अग्रवाल ने बहुत सारे क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड के और एलिमिनेशन मेथड के, तो वहाँ से आप जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको फटाफट समझ में आने लगेगा किस तरीके से एलिमिनेट किया जाता है। बाकी यहाँ भी मैं कोशिश करूँगा आपको डिटेल में समझाने का ताकि आपके डाउट्स क्लियर रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी प्रीवियस जो मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ और जो मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊंगा उन सारे वीडियोज़ के लिंक, प्लस मैं इन एक्सरसाइजेस के ना नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको इस बार पीडीएफ के फॉर्म में, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करें और इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके लिए करना क्या रहेगा कि जैसे यहाँ पर देखो एक्स और वाई है, यहाँ पर 2x और 3y है, तो दोनों में से किसी को भी आप इक्वल बनाओ। यानी कि या तो x को इक्वल बना दो या तो y को इक्वल बनाओ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 2x बना दूँ, मान लो कि मुझे x को इक्वल बनाना है, तो अगर आप x को इक्वल बनाओगे ना तो पहले y की वैल्यू आती है, पहले y का आंसर निकल करके आएगा। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। देखो करना क्या है कि जैसे यहाँ पर देखो 2x है, तो अगर मुझे इसको 2x बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो रूल ये है कि आपको सारे टर्म्स इक्वल के लेफ्ट में जितने भी टर्म्स हैं उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और राइट में जो है उससे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने से, तो 2 से, तो बाई 2। तो इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे होगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई और इक्वल के राइट साइड में भी 5 का मल्टीप्लाई 2 से होगा। तो इधर हमारे पास 2x आ जाएगा और 2 का वाई से मल्टीप्लाई होगा तो 2y आ जाएगा, इक्वल के राइट में हमारे पास 10 आ जाएगा। इसको आप लोग मानोगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। हमने 1 में क्या किया, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया इक्वेशन बना है ये इसका इक्वावलेंट इक्वेशन है, इसमें दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है और 3 है इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करो कि हमारा x जो है ना वो कैंसिल हो जाए, यानी कि x गायब हो जाए। हमको x को गायब करना है क्योंकि हमने उसी को इक्वल बनाया है, तो वही गायब होगा। कैसे गायब कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। देखो इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। डिटेल में इसको इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी शॉर्ट में ऐसे लिखो। तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, नीचे में लिख दो उसमें 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10। अब हम लोग माइनस करने जानते हैं कि ये जो हमारा प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा कन्वर्ट, ये प्लस की साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी जो 2y प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा और 10 जो प्लस में था वो भी माइनस में हो जाएगा। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया कि ये सब माइनस में क्यों हो रहे हैं तो आपको हमारे प्रीवियस वीडियोज़ देखने चाहिए जहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि देखो जब कभी माइनस करते हैं किसी टर्म को ना तो ऐसे किया जाता है। देखो 2x माइनस में हम लोग 3y, सॉरी बच्चों बाहर कोई गेस्ट आ गए थे, तो मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ साइन चेंज करना बता रहा था कि अगर 2x फिर माइनस में 3y इस तरीके से है ना, तो उसमें से हम लोग को लेफ्ट वाले को माइनस करना रहेगा। तो हम लोग इसे माइनस करके ब्रैकेट में लिखते हैं 2x प्लस में 2y, और उसी तरीके से इक्वल के राइट में जो 4 है उसमें से 10 जो है वो माइनस में हो जाएगा। तो देखो क्या होता है कि जब ब्रैकेट खुलता है तो हमारा माइनस प्लस माइनस में 2x हो जाता है ना, और माइनस प्लस माइनस में 2y हो जाएगा, और इक्वल के साइड में भी उसी टाइप से 4 माइनस 10 हो जाएगा। यानी कि जो जो प्लस में था, देखो 10 भी माइनस में हो गया, यहाँ पर 10 प्लस में था, जबकि 2y प्लस में था वो भी माइनस में हो गया, 2x प्लस में था वो भी माइनस हो गया। तो उसको इस तरीके से भी किया जाता है, ये शॉर्टकट तरीका है फटाक से करने का, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता है।
है। तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो देखो प्लस का 2x माइनस का 2x हो जाएगा कैंसिल, इसको कैंसिल ही करना था मेन हमको। माइनस का 3y है, माइनस का 2y है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस हमारे पास 5y आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस की रहेगी। इक्वल के राइट साइड में भी 10 माइनस में 4 प्लस में है, प्लस माइनस माइनस होगा तो हमारे पास यहाँ पर माइनस 6 आ जाएगा। तो अगर मेरे को y की वैल्यू चाहिए तो माइनस 5 को ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस 6 डिवाइड बाई माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास चिपका हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई में है। माइनस से माइनस कैंसिल, देन y इक्वल टू 6/5 आ गया। तो इसको ही कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, इसको एलिमिनेट कर दिया, कट कर दिया। अब इस y की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर देखो एलिमिनेशन मेथड में भी हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। एक बार एलिमिनेट करेंगे तो एक चीज़ का वैल्यू निकल जाएगा। अब जो वैल्यू निकला है उसको आप लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप लोग वहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे y का वैल्यू मान लो सबसे छोटा इक्वेशन कौन सा है, पहला वाला इक्वेशन है ना सबसे छोटा, तो इसमें पुट कर दो आप लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से हम लोग का सेकेंड वाले का भी आंसर निकल जाएगा। यानी कि हमारे पास x प्लस वाई दिया हुआ है ना, तो y की जगह पर 6/5 लिख देंगे, इक्वल को साइड में 5 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 5 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x प्लस में 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब इस 5 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस में 6 इक्वल टू 25, क्योंकि 5 इधर डिवाइड में इधर जाकर तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब 6 इधर ले जाओ तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस में 6, देन 5x इक्वल टू हो गया हमारे पास 19 एंड x इक्वल टू हो जाएगा 19/5। तो यहाँ पर भी हमको सब्स्टिट्यूट वाला मेथड यूज़ करना ही है, भले हम लोग एक बार एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे लेकिन सेकंड टर्म में हम लोग वहाँ पर फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड एक तरह से यूज़ करके उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी तो ये हमारा लेकिन कहलाता है ये पूरा एलिमिनेशन मेथड ही है। अब हम लोग को क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो स्टार्टिंग में जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे, जैसे एक्सरसाइज 3.2 में करते थे। आई होप आपको ये वाला एलिमिनेशन समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। चलिए इसको अब दूसरे मेथड से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको याद होगा क्या करना रहता था कि कोई भी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की कुछ भी हम लोग वैल्यू निकाल लेते थे। जैसे अगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है तो इसी को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मैं वाई को इधर ट्रांसफर कर लूँगा तो ये मेरा बन जाएगा, या फिर चलो नीचे ही लिख लेता हूँ, अरे यहीं पर लिखता हूँ, पेज वेस्ट नहीं करेंगे। एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस में वाई, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, और ये जो हमने एक्स का वैल्यू निकाला है इक्वेशन के फॉर्म में इसको हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2, हम लोग 3 एंड 2 का भी यूज़ करने वाले हैं, 3 से x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो 2 ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस वाई, है ना, x के बदले में हम लोग 5 माइनस वाई लिखेंगे जो कि हमने निकाला है यहाँ पर, ये वाले को ट्रांसफर करके। उसके बाद जो बाकी चीज़ें बच गई हैं उसको उतार दो तो यहाँ से आपका y का वैल्यू निकलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 माइनस में 2y माइनस में 3y इक्वल को साइड में 4, इस 10 को उधर ले जाओ तो और इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 5y आ जाएगा, और 10 इधर आकर के 4 माइनस में 10 हो जाएगा, तो माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, y इक्वल टू हो जाएगा 6/5। तो यहाँ से भी y का वैल्यू 6/5 आया, पिछले बार हमने एलिमिनेशन किया था वहाँ पर भी वही चीज़ आया था। अब सेम टू सेम काम जो पहले हमने किया था वही काम फिर से कर देना कि y का वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देना। तो y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1। देखो ये मेरा पहला क्वेश्चन, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको फिर से दोबारा से वही काम करके दिखा दे रहा हूँ। आगे क्वेश्चंस में हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन आप जब फेयर में बनाओगे ना तो आपको फिर से बार बार करना पड़ेगा, जैसे भी आपने पिछले वाले क्वेश्चन मेथड में किया, एलिमिनेशन में मेथड में किया, अब सेम काम को यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में भी करना है। एक्स प्लस में हमारे पास हो जाएगा 6/5 इक्वल टू 5, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5x प्लस में 6/5 इक्वल टू 5, ये हो जाएगा हमारे पास 5x इक्वल प्लस में 6 इक्वल टू 25, देन यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 5x इक्वल टू, ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो ही 19 आ जाएगा, देन x इक्वल टू 19/5 आ जाएगा। तो जैसे पहले किए ना आप लोग तो आधा स्टेप तो पहले जैसे ही रहेगा, बस जो पहला वाला y का वैल्यू है या फिर जो पहले आप लोग निकालोगे, चाहे y के निकालो चाहे x से निकालो, तो बस यही हमारा या तो एलिमिनेशन मेथड से निकलता है या तो सब्स्टिट्यूशन से निकलता है। बाद में जो है हम लोग को सब्स्टिट्यूट ही करना रहता है, वैल्यू को पुट करके ही निकालना रहता है, तो सेकेंड वाला स्टेप एकदम सेम रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए जो आगे क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करते हैं। तो ये देखो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखो अगर मुझे इसको 2x बनाना है तो बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा, या फिर इसको अगर मुझे 3x बनाना है तो ये मतलब मुश्किल दिख रहा है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, y को इक्वल बनाएंगे, वो आसान है, केवल इस 2y को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4y बन जाएगा। यहाँ भी 4y है, यहाँ भी 4y है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस बार जो हमारा ये पहला इक्वेशन है ये दूसरा इक्वेशन है, तो इक्वेशन नंबर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 2 से। तो यहीं पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ शॉर्टकट में मल्टीप्लाई बाई 2, आप लोग पूरा डिटेल में लिखना, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन में किया है ना एकदम डिटेल में काम, एग्जाम में आप डिटेल में करोगे। अब मैं आपको फटाफट समझा रहा हूँ कि हम लोग इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरा 2x का 4x हो जाएगा यहाँ पर। एक सेकेंड बच्चों, फिर कॉल आ रहा है, वन सेकेंड, सॉरी बच्चों, कॉल वगैरह बार बार आ रहा है। मैं काम करता हूँ, मोबाइल को साइलेंट कर देता हूँ या फ्लाइट मोड में ही डाल देता हूँ। ठीक है,
ताकि डिस्टर्बेंस ना हो बार बार। एक सेकेंड, हाँ चलिए, मैं आपको क्या बता रहा था कि इसमें हम लोग टू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा 4x हो जाएगा, सेम का यहाँ भी होगा 4y हो जाएगा, और इक्वल के राइट साइड में भी 2 2 जा मेरा 4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब हम लोग देखो 2 को इस बार सॉल्व किए हैं ना, तो हम लोग 3 और 1 को सॉल्व करेंगे आपस में, क्योंकि हमने यहाँ पर 4y³ बनाया क्योंकि इक्वेशन 1 में 4y था। अब इन दोनों को सॉल्व करके अपने को यहाँ पर क्या करना है, इसको कट करना है। तो ध्यान दो कि पिछले बार दोनों क्या थे, प्लस में थे, इसीलिए हमने आपस में सब्ट्रैक्ट किया था तो कट होते। इस बार क्या है कि हमारा एक माइनस में है, दूसरा प्लस में है। हम लोग अगर दोनों को प्लस करेंगे, जैसे 4y में प्लस कर दूंगा मैं माइनस का 4y, तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इस बार हम लोग ऐड करेंगे, इस बार हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है आपको, ये मतलब कि रटना नहीं है कि पहले वाले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट होगा दूसरे में ऐड होगा, ऐसा करना नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि चूंकि प्लस और माइनस अलग अलग साइन के साथ है, तो दोनों को ऐड करने के बाद उनका खेल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 और 3, 1 और 3 को ऐड करेंगे, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस में 4y इक्वल को साइड में 10, नीचे ही मैं लिख देता हूं मैं 4x माइनस में 4y और इक्वल को साइड में 4। ऐड कर रहे हैं इसलिए कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है। तो 3x और 4x हमारे पास 7x हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल के राइट साइड में 10 और 4 14 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा यहां से 14 / 7, देन x इक्वल टू हो गया हमारा 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं 7 + 7 = 14, तो x का वैल्यू 2 निकल गया। अब इस x के वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, जो सबसे छोटा इक्वेशन हो, कौन सा दिख रहा है, ये सबसे छोटा इक्वेशन दिख रहा है मुझे 2 वाला, तो आप लोग किसी में भी कर सकते हो, 1 2 3 किसी में भी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मैं 2 में कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 × 2, x के बदले में मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, माइनस में 2y इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 4, 4 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो -2y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस में 4, क्योंकि इधर ये प्लस का 4 बन जाएगा ना मल्टीप्लाई होने के बाद, तो इधर जाकर के माइनस का 4, तो हो जाएगा -2y इक्वल टू माइनस का 2, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 आएगा, और माइनस की साइन के साथ, क्योंकि बड़े नंबर माइनस का साइन है, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो, y इक्वल टू हो जाएगा 2 / 2, क्योंकि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, देन y इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि 2 × 2 होता है, नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू एंड y इक्वल टू 1, यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो ये हम लोग अभी एलिमिनेशन मेथड से बनाए, अब जल्दी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन को फिर से लिख लिया है, फिर से आप लोग वही काम करोगे, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लोगे। अब इन दोनों में से कहीं से भी x का वैल्यू निकाल लो, जैसे मान लो मैं यहाँ से निकालता हूँ x का वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, पहले 2y को इधर ट्रांसफर करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2x इक्वल टू 2 प्लस में 2y, क्योंकि इधर माइनस में था, इधर अगर प्लस में 2y हो जाएगा, मुझे x की केवल वैल्यू चाहिए तो 2 को भी ट्रांसफर करेंगे, तो 2 + 2y और डिवाइड बाय में 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चिपका हुआ था तो मल्टीप्लाई में था। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर एक तरह से आप लोग 3 मान सकते हो, जहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 और 1, इक्वेशन 3 और 1 से, तो यहाँ पर हमारे पास पहले से 3 है, ब्रैकेट में हम लोग x के बदले में यहाँ पर लिख देते हैं 2 + 2y डिवाइड बाई 2, और फिर प्लस में 4y है बाहर में, और इक्वल की सेट में 10 इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, x के बदले में ये x का वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 2 = 6 प्लस में 3 × 2 = 6y डिवाइड बाई में 2 प्लस में 4y एंड इक्वल के उस साइड में 10 है। तो देन अब यहीं पर मैं बगल में ही सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ से मेरा देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसके इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा हमारा 6 + 6y, है ना, डायरेक्ट आप लोग इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, ध्यान रखना आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस 2 को पूरे के डिनोमेटर में लाना पड़ेगा, इसके नीचे तो अभी 1 है, तो एक नॉर्मल तरीका होता है 2 और 1 का एलसीएम लेना, लेकिन वो लंबा मेथड है, मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, इसका इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा, बीच प्लस की साइन है तो यहाँ पर प्लस की साइन लगा करके 8y लिखिए, पूरे के नीचे में 2 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 10 आ गया। अब सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर डिवाइड में है तो ये बन जाएगा हमारा 6 + ये बन जाएगा 14y, है ना, इक्वल के उस साइड में 10 × 20 हो जाएगा। अब 6 को भी ट्रांसफर कर दो तो 14y इक्वल टू हो जाएगा 20 - 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14y इक्वल टू 20 में से 6 माइनस होगा तो कितना आता है मेरे पास 14 आता है, देन y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 14 / 14, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 1। तो इस तरीके से आपका y का वैल्यू निकल गया। तो एक काम करना कि जैसे पिछले बार हम लोग पहले x की वैल्यू निकाले थे ना, कहाँ गया मेरा पिछला क्वेश्चन, पहले x की वैल्यू निकाले थे, इसीलिए हम लोग का y का वैल्यू निकालना आसान था, इस बार हमने y का वैल्यू निकाला है। अब इस y की वैल्यू को आप लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तभी आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तभी दिक्कत होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और ये इसके आगे का आप खुद से सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो फिर मैं आगे और वीडियोज़ बना दूंगा जिसमें इसके आगे भी मैं आपको बता दूंगा, बाकी मेरे को लगता नहीं कि इसकी जरूरत पड़ेगी। वाई का वैल्यू 1 है, उसको कहीं पर भी पुट कर देना। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर का, हम लोग उसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से।
ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि किसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। वाई में अगर ध्यान दें तो 5y है, 2y है, मल्टीप्लाई वगैरह करूँगा अभी तो 5 तो नहीं बना सकता मैं ना, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। एक्स को देखो यहाँ पर 3 है और ये 9 है, तो इसको हम लोग 9 बना सकते हैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके। तो वही आप लोग लिख लेना कि मल्टीप्लाई बाई 3, इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग सॉरी इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये मेरा फिर क्या बन जाएगा, 3 3 से 9x हो जाएगा, माइनस में 15y हो जाएगा, और फिर माइनस में मेरे पास 4 3 जा हो जाएगा 12, इक्वल टू साइड में 0। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको भी आप लोग जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, यानी कि ये हमारे पास एक्स वाई आगे पीछे है ना, तो सबको इकट्ठा ले आओ। जैसे इसमें हम लोग का इक्वल के राइट में 0 है, तो इसको भी हम लोग इक्वल के राइट में 0 ले आते हैं, सब इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये मेरा 9x हो जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा, माइनस में 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, यहाँ पर आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 मत लिखो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 और 3 को आपस में सॉल्व करेंगे। 9x यहाँ भी, 9x यहाँ भी है, लेकिन दोनों इस बार प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो आपस में सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किसी में से किसी को भी सबट्रैक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि 2 में से 3 को करो या 3 से 2 को करो, जहाँ मन करे वहाँ कर दो। तो यहाँ लिखता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। तो 2 हमारे पास क्या भैया, 9x है, माइनस 2y है, माइनस 7 इक्वल टू 0 है, उसमें से माइनस करना है अपने को 9x, माइनस में 15y, माइनस में 12 इक्वल टू 0। चूँकि माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर सब साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो गया यहाँ पर, यहाँ माइनस का 2y है, प्लस का 15y है, आपस में प्लस माइनस माइनस होगा, 15 से 2 माइनस हुआ तो 13y आ जाएगा, और बड़े नंबर 15 में प्लस ही साइन है तो प्लस ही साइन लग जाएगी। यहाँ पर भी प्लस 12 और माइनस 7 है, तो मेरा प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0, देन वाई इक्वल टू हो जाएगा प्लस 5 इधर जाकर के माइनस का 5, और 13 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो माइनस 5 बाई 13 वाई की वैल्यू निकल गई, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वाई इक्वल टू माइनस 5 बाई 13 इन इक्वेशन नंबर, किस में पुट कर दूँ, कहाँ पुट कर दूँ, यही छोटा दिख रहा है, इक्वेशन 1 ही दिख रहा है छोटा, इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 में हमारे पास 3x है, माइनस में 5y है ना, तो 5 ब्रैकेट में माइनस 5 डिवाइड बाई 13 हो जाएगा। ठीक है, ये y के बदले में हम लोग माइनस 5 बाई 13 लिख देंगे, और माइनस में 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस माइनस प्लस का 25 हो जाएगा, 5 5 जो 25 डिवाइड बाई में 13, और माइनस में 4 हो गया, इक्वल टू साइड में 0। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास अगर मैं एलसीएम देखूँ तो डिनोमिनेटर में मेरे पास 13 ही है, तो सबका 13 हो जाएगा नीचे में। ठीक है, 13 3 जो हो जाएगा हमारे पास कितना, 39x, उसके बाद प्लस में 25 उतर गया, इधर माइनस के साथ 13 4 जा हो जाएगा हमारे पास 52, इक्वल के साइड में 0। इस 13 को इधर 0 के पास भेज दूंगा, तो 13 का 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 आ जाएगा, तो इसका खेल खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास बचेगा केवल 39x, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 52 में से 25 माइनस करना है ना, तो 50 से 25 माइनस करते तो हमारे पास कितना आ जाता, वो आ जाता 25, लेकिन 2 और ज़्यादा है तो 27 आ जाएगा, तो माइनस का 27 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 13 इधर जाकर के 0 बन गया है। अब इनको नंबर को ट्रांसफर कर देते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस वाला 27 हो जाएगा, और 39 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। इस तरीके से दोनों हमारे 3 से कट हो रहे हैं, 3 से कट कर लो, 39 जा हमारे पास होता है 27, नीचे 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, तो x का जो वैल्यू है वो 9/13 निकल कर के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट किया, फिर वैल्यूज को पुट कर दिया यहाँ पर, तो x और y की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग इसको जल्दी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसमें मैं इसी को डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसफर कर देता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहीं से इक्वेशन नंबर 2 से। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2y प्लस में 7 डिवाइड बाई 9, ये बन गया इक्वेशन नंबर हमारा 3। अब इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आप लिख भी लोगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 1। तो 3 से 1 में वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई में 2y प्लस में 7 डिवाइड बाई में 9। ठीक है, एंड यहाँ पर आप चाहते हो इसको ब्रैकेट में भी एक बार लिख सकते हो, माइनस में 5y है, माइनस में 4 इक्वल टू 0 है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है तो मैं कट कर लेता हूँ। अब हमारे पास ब्रैकेट ओपन होकर के हो जाएगा 2y प्लस 7 डिवाइड बाई 3, माइनस में 5y माइनस में 4 इक्वल टू 0। अब हम लोग जानते हैं एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे में 1 है, नीचे में 1 है, तो सबका एलसीएम हमारे पास 3 हो जाएगा, ऊपर में मेरे पास 2y प्लस 7 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे में 3 है, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, खेल खत्म हो जाएगा। अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 3 5 जब 15 हो जाएगा,
और फिर यहाँ पर 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो माइनस का 12 लिख देंगे। इक्वल को साइड में 0 है तो 3 0 के साथ जाकर के 0 हो जाएगा, तो ये सब केवल बच जाएंगे हमारे पास। तो ये 2y और 15y मेरे पास माइनस 13y हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस की साइन यहाँ पर है। और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 12 में से 7 माइनस होगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। इक्वल को साइड में 0 हो जाएगा क्योंकि 3 का 0 से मल्टीप्लाई होगा। अब वाई की वैल्यू निकालनी है तो 5 की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का 5 हो गया, और 13 को ट्रांसफर करेंगे तो ध्यान रखना कि ये हमारे पास भले माइनस का 13 है लेकिन ये मल्टीप्लाई में है, तो बस इधर जा करके माइनस का 13 डिवाइड में हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू माइनस 5/13 फिर से आ जाएगा आंसर। पिछले बार भी वाई इक्वल टू माइनस 5/13 आया था, फिर से आ गया। तो फिर अब यही काम करना है, इसके आगे आप लोग वाई का वैल्यू मैं यहाँ पर कर नहीं रहा हूँ, बस आपको बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। वाई इक्वल टू माइनस 5/13 किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना। जैसे आसान इक्वेशन कौन सा दिख रहा है, यहीं पर ये वाला 3 दिख रहा है ना, तो इक्वेशन नंबर 3 में डाल देना, ठीक है। चलो मैं ही करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इक्वेशन यार पिछले बार तो सिमिलियर इक्वेशन था ना। रुको तो एक सेकंड पिछला वाला देखता हूँ। नहीं नहीं एक काम करना कि यहाँ पर पुट मत करना, हमने पिछले बार कहाँ पर पुट किया था, इक्वेशन 1 में किया था ना, इस वाले में पुट करके हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं ना, तो बस आप लोग इसी को देख देख करके छाप देना एग्जाम में, एग्जाम में रहे या फिर फेयर कॉपी में रहे, क्योंकि अलग से फिर सॉल्व करने में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और हमने वही काम पहले कर रखा है। तो बस आप लोग इक्वेशन 1 में ही पुट करना, ये जो इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 3 नहीं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके बस ऐसे लिख लेना और पूरा का पूरा यही वाला उतार देना, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। चलिए फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन में फोर्थ की इक्वेशन, जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में, हम लोग थोड़ा सा इसको सिंपल करते हैं। पहले 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो डिवाइड में 6 लिख लो, 6 और 2 से डिवाइड दोगे तो 3 आएगा, उसका ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 6 और 3 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, उसका ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, इक्वल टू साइड में माइनस 1 है, इसको इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा हमारा 3x प्लस में 4y इक्वल टू साइड में 6 बन जा 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस की साइन है तो माइनस का 6, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। सिमिलर काम इधर भी करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इसका इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 3x माइनस में y डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 3 है, अब इस 3 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस में y इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। तो अब यहाँ पर ध्यान देते हैं एलिमिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 3x है, इसमें भी 3x है, तो इस बार अपने को कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है अलग से मल्टीप्लाई करने का, हम लोग डायरेक्ट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x से x मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम या फिर सब्ट्रैक्ट, चलो इस बार थोड़ा सा अलग से स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कैसे लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, इक्वेशन 1 को हम लोग 2 में से माइनस कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 को माइनस करने हैं इस तरीके से लिख दिए हैं, तो पहले हमको इक्वेशन 2 को ऊपर में लिखना पड़ेगा, है ना, बाकी या फिर काम करो इक्वेशन 2 में से ही 1 को माइनस करो, इक्वेशन 2 में से हम लोग 1 को माइनस करते हैं। तो, अरे यार मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, उल्टा सीधा कुछ बोल रहा हूँ बच्चों में, अलग रहा मैं कुछ उल्टा, चलो जो लिख दिया हूँ वही करते हैं। सब्ट्रैक्ट मैंने लिख दिया इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी कि 2 को 1 से माइनस करना है, तो 1 को हम लोग को पहले लिखना पड़ेगा, तो 3x प्लस में 4y और इक्वल को साइड में माइनस का 6 हो गया पहले, है ना। अब हम लोग को 2 को माइनस करना है तो 2 को नीचे लिखना पड़ेगा, 3x माइनस में y इक्वल के उस साइड में 9, तो सारे के सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये प्लस वाला माइनस, ये माइनस वाला प्लस, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस तो हमारा आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4y और ये y भी प्लस में हो गया तो 5y हो जाएगा ऐड होकर के, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये मेरा माइनस का 15 आ जाएगा, 9 और 6 15 और माइनस की साइन उतर जाएगी, है ना, और यहाँ पर हमारे पास साइन प्लस का ही रहेगा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर बड़े नंबर में प्लस की साइन थी, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा माइनस 15 डिवाइड बाई 5, कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3, तो y इक्वल टू माइनस 3, ये हमारा पहला आंसर निकल गया। अब हम लोग y का वैल्यू माइनस 3 जो है कहीं पे भी पुट कर देते हैं, कहाँ पे पुट कर दूँ मैं, यहाँ पे पुट कर देता हूँ इक्वेशन 2 में, तो y इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस में 3 इक्वल टू 9, इस 3 को ट्रांसफर करेंगे तो जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 9 प्लस 3, तो 3x इक्वल टू हो गया हमारे पास 12, देन x इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4, प्लस वाला 4, क्योंकि ये हमारे पास प्लस में है। तो इस तरीके से हमारा एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट होता है। अब जल्दी से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूशन अगर मेथड यूज़ करेंगे तो मैं किस में से किसका वैल्यू निकाल लूँ, देखो हम लोग पहले यहाँ पर भी वाई का वैल्यू निकालेंगे ना, तो एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, तो एक काम करता हूँ कि मैं इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करके हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखूँगा मैं डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है, 3x माइनस में y इक्वल टू 9 है, x की वैल्यू निकालनी है तो सबको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 9 प्लस में y,
क्योंकि इधर माइनस में था और 3 मल्टीप्लाई में था, तो इधर आकर के 3 डिवाइड में हो जाएगा, ये एक्स का वैल्यू निकल गया। अब इस एक्स की वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो आप लोग, और यहाँ लिखो, देखो इसको और आसानी तरीके से आप लोग ऐसे भी बना सकते थे कि आप लोग यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन जब वाई का वैल्यू आप निकालोगे ना और उसको पुट करोगे तो पहले एक्स का वैल्यू निकलेगा। जब वाई का वैल्यू निकाल कर हम लोग उसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो वहाँ पर से एक्स का वैल्यू निकलेगा, तो एक्स का वैल्यू निकलेगा तो उससे दिक्कत ये होगा ना कि आगे चल करके फिर आपको यहाँ पर एक्स का वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा अलग से। लेकिन अगर पहले आप वाई का ही वैल्यू निकाल लोगे, तो पहले सब इलिमिनेशन वाले में चूंकि वाई का वैल्यू निकाल चुके थे हम लोग ना, तो वाई का वैल्यू निकालोगे तो ये वाला फिर काम आपका आसान हो जाएगा, फिर आपको फटाक से बस वाई की वैल्यू पुट करना रहेगा, यानी ये स्टेप सेम टू सेम उतर जाएगा। इसीलिए मैं पहले यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल करके उसको पुट कर रहा हूँ ताकि मेरा एग्जैक्ट वाला वाई का वैल्यू निकल सके। तो यहाँ हम लोग लिखूंगे अब कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 1, 3 से हम लोग 1 में पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो 1 में हमारे पास 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, यानी कि 9y डिवाइड बाई 3, ठीक है, और फिर प्लस में 4y है तो 4y रहने देंगे, इक्वल के साइड में माइनस का 6, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच जाएगा हमारे पास 9 प्लस में y प्लस में 4y इक्वल टू माइनस 6, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5y इक्वल टू माइनस 6 माइनस में 9 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में 9 था, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस 15 डिवाइड बाई 5, ये माइनस 15 बन जाएगा और ये 5 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी y इक्वल टू माइनस 3 आ गया। तो बस मैं यही कह रहा था कि y का वैल्यू चूंकि हमने एलिमिनेशन मेथड में ही पहले निकाला था, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी y का वैल्यू पहले निकल जाए, और y का वैल्यू अगर पहले निकालना है तो इक्वेशन से हमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसको पुट करेंगे तब y का वैल्यू पहले निकलेगा। तो अब यहाँ से y का वैल्यू निकल गया, तो बस ये वाला काम को आप सेम टू सेम उतार दो, या फिर से लिख दो कि y इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2, और फिर पूरा का पूरा इसको यहाँ पर से आपको छापना तो है बस। तो इस तरीके से आपका ये भी क्या होगा, फटाक से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको कब ध्यान में आएगी पता है, जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए फोर्थ और भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन दिए हुए हैं, कितना मिनट का वीडियो हो गया, 25 मिनट का हो गया है। एक काम करते हैं बच्चों, क्योंकि 25 मिनट का वीडियो हो गया, मैं चाहता था कि कंप्लीट कर लें, लेकिन कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, चलो कंप्लीट कर ही लेते हैं, हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का वीडियो बनेगा ना, 1 घंटे का एक सेशन कंप्लीट हो ही जाए, थोड़ा रिकॉर्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है फटाफट, है ना। अगर एग्जिस्ट करते हैं इनके सॉल्यूशन तो हो देंगे, सबके सॉल्यूशन बनेंगे मेरे को उम्मीद है। फटाफट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर देखो इस टाइप से क्वेश्चन ना हम लोग ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बना चुके हैं, ध्यान रखना 3.2 में, तो आप लोग उसका भी प्रैक्टिस जरूर किए रहना, एग्जाम में आ सकता है सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कुछ भी लिख करके आ सकता है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं क्या बोल रहे क्वेश्चन में, इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 डिनोमिनेटर में से, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, कहने का मतलब है कि कोई भी एक फ्रैक्शन है, जैसे मान लो हम लोग फ्रैक्शन को x डिवाइड बाई वाई ले लेते हैं, ऐसे एक तो क्वेश्चन हम लोग 3.2 में ही बनाए थे, इसमें हम लोग ऐड करते हैं न्यूमरेटर में 1, है ना, और सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर से -1, यानी कि 1 को माइनस करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो फ्रैक्शन जो है रिड्यूस हो जाता है 1, ठीक है, रुक जाओ, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 इट बिकम्स 1/2, ठीक है, यानी कि एक सेकंड यार, इसको थोड़ा सा मैं और से एडिट करता हूँ, इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सेपरेट 1, हाँ यहाँ तक ये कंप्लीट हो रहा है, एक स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो अगर इन लोग इस तरीके से करते हैं ना, तो ये रिड्यूस होकर के कितना बन जाता है, ये 1 बन जाता है, ये हमको पहला वाला इक्वेशन में बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 बन जाता है अगर ओनली एड टू द डिनोमिनेटर, अगर हम लोग केवल 1 को डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर x को x ही रहने दोगे, नीचे जो y है उसमें अगर 1 को ऐड कर दोगे, तो ये जो हमारा है ये 1/2 बन जाता है। तो ये दूसरा हिंट दिया हुआ है, तो इस टाइप से 2 हिंट हमको दिए हुए हैं, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, तो बताइए जो x बटा वाई है ना, x और y की जो वैल्यू वो क्या है। तो बस ये 2 हमको हिंट दे दिए, ये 2 टाइप से इक्वेशन बन गया, फटाक से सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इस तरीके से लिख लोगे कि लेट द फ्रैक्शन बी एक्स डिवाइड बाई वाई, जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग एक्स डिवाइड बाई वाई मान लेते हैं। अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला बार में हमसे ये कहा गया है कि अगर न्यूमरेटर में हम लोग 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दें, तो फ्रैक्शन जो है वो 1 बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एंड करके लिखोगे दूसरे साइड में कि हमसे दूसरा चीज़ बोला गया है कि अगर डिनोमिनेटर में केवल 1 प्लस कर दें, तो ये मेरा 1/2 बन जाता है। अब इन दोनों को थोड़ा सा फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, ये वाई माइनस 1 को इधर 1 के पास ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, क्योंकि वाई माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वाई माइनस 1 ही आएगा। अब इसको हम लोग वाई वाई को एक साइड कर देते हैं, नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, या फिर सबको एक ही तरफ कर लो, डायरेक्ट इक्वल के साइड में 0 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस में वाई
प्लस वन पहले से है, ये माइनस वन इधर आकर के प्लस वन हो जाएगा, इक्वल की साइड में केवल जीरो बचेगा, तो हो गया हमारा एक्स माइनस वाई प्लस में टू इक्वल टू जीरो। ये पहला इक्वेशन बन गया, इसको इक्वेशन नंबर वन नाम दे दो। इधर वही काम करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, टू को इधर ले आते हैं, तो टू का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, और वाई प्लस वन का इधर मल्टीप्लाई होगा तो वाई प्लस वन ही आएगा, वन से मल्टीप्लाई होकर के। फिर से इसको सबको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस में वाई माइनस में वन इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू। अब देखो हमारे पास यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, तो हम लोग के पास दोनों पास वन वाई है, बस दोनों दिक्कत क्या है कि दोनों माइनस में है, तो दोनों का साइन अगर सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, ताकि हमारा आपस में कैंसिल हो सके। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, इक्वेशन वन में से हम लोग टू को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा x माइनस में y प्लस में टू इक्वल टू जीरो इक्वेशन वन है, उसमें से माइनस कर दो आप लोग टू एक्स माइनस में वाई माइनस में वन इक्वल टू जीरो को। ये वन में से टू को माइनस कर रहे हैं, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास टू एक्स में से एक्स माइनस होगा तो मेरे पास वन एक्स बचेगा, यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट एक्स भी लिख सकते हो, साथ ही बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी। यहाँ माइनस वाई और प्लस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ मेरे पास टू और ये प्लस वन हमारे पास हो जाएगा प्लस का थ्री इक्वल के उस साइड में जीरो। मेरे को तो एक्स का वैल्यू चाहिए तो मैं एक्स का वैल्यू निकालने के लिए सबको ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये प्लस वाला थ्री इधर जाकर के माइनस का थ्री हो जाएगा और ये माइनस वन इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल टू थ्री बाई वन आ गया, जिसको हम लोग डायरेक्ट थ्री लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक्स का वैल्यू निकल गया। अब एक्स का वैल्यू को हम लोग कहीं पर भी पुट कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इक्वेशन वन में पुट करता हूँ तो एक्स इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन नंबर वन, तो हमारे पास x के बदले में 3 लिख लेंगे, फिर माइनस वाई है प्लस में 2 है इक्वल टू जीरो, यही हमारा इक्वेशन वन है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, ये 2 और 3 दोनों प्लस में है तो 5 हो जाएगा, तो माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, या फिर माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो y और x की वैल्यू निकल गया, अब अपने को फ्रैक्शन बताना है, यहाँ पर लिखेंगे सो फ्रैक्शन, इसलिए जो हमारा फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, तो फ्रैक्शन x डिवाइड बाई वाई हमने माना था ना, तो x का वैल्यू 3 निकाला और y का वैल्यू 5 निकाला, तो x डिवाइड बाई बाई 3 डिवाइड बाई जो 5 है वो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो देखा आपने कितना मज़ेदार क्वेश्चन था, तो इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी हैं वो सोनू से 3 गुना ज़्यादा थी, थ्राइस यानी कि 3 गुना ज़्यादा होता है, जैसे कि अगर मान लो सोनू का उम्र 10 साल था तो जो नूरी का उम्र होगा वो 10 गुना 3 यानी कि 30 साल हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी 10 साल के बाद जो दोनों को उम्र होगा ना वो डबल का कंपैरिजन में रहेगा, यानी कि अगर मान लो 10 साल के बाद अगर सोनू जो है अगर वो 20 साल का है तो नूरी जो होगी ना वो 40 साल की हो जाएगी, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो बताइए कि नूरी और सोनू जो है ना उनका उम्र अभी क्या हो रहा है, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी का उम्र को नूरी का एक्स मान लेंगे और सोनू का वाई मान लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जो भी हिंट दिया हुआ है 5 ईयर्स अगो वाला और 10 ईयर्स बाद वाला उसका यूज़ करके इक्वेशन बनाएंगे, आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से लिखोगे कि जो प्रेजेंट एज है नूरी का और सोनू का वो एक्स और वाई ईयर्स है, नूरी का एक्स मान लिया और सोनू का वाई ईयर मान लिया। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो सबसे पहले 5 ईयर्स अगो का बात किया है, तो आप लोग ऐसे लिखोगे 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले नूरी, देखो अभी अगर नूरी का एज एक्स ईयर है तो यहाँ पर नूरी का जो एज होगा 5 साल के पहले वो कितना होगा, तो अगर अभी x है तो 5 साल पहले 5 साल कम हो जाएगा तो x माइनस 5 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। और जो सोनू है उसका एज अगर अभी y ईयर है तो 5 साल पहले y माइनस 5 हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब इससे हम लोगों को हिंट में जाना है, पहले हम लोग को ये काम कर लेना है, देखो x ईयर और y ईयर मान लेना है, लेकिन साथ ही साथ ये काम भी आपको करना पड़ेगा कि 5 साल पहले जो उनका उम्र होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर दोनों में से 5 माइनस कर लो। अब हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में ये बोला था कि 5 साल पहले जो नूरी का उम्र था ना, यानी कि x माइनस जो 5 है वो सोनू की उम्र का थ्राइस था, यानी कि सोनू का उम्र अगर y माइनस 5 है तो उसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के नूरी का उम्र निकलेगा, क्योंकि हमने जैसा कि आपको बताया कि अगर सोनू का उम्र मान लो 10 साल है तो 10 में 3 का गुणा करोगे तब जाकर के 30 साल निकलेगा नूरी का उम्र, इसीलिए हम लोग को क्या करना है इधर वाले में सोनू की उम्र में 3 का मल्टीप्लाई करना है तब हमारा इक्वेशन बनेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस में 5 3 जा 15। अब हम लोग नंबर्स को एक साइड कर लेते हैं, या फिर हाँ x को यहीं पर रहने दो, x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3y और ये हमारे पास माइनस में 15 है ना, तो माइनस 15 और ये 5 इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3y माइनस में 10, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यहाँ से हमारी इक्वेशन 1 बन गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले हिंट में, हमसे बोला था 10 ईयर्स अगो, नहीं 10 ईयर्स आप लेटर बोला है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे नाउ 10 ईयर्स
लेटर 10 साल के बाद क्या होने वाला भैया? तो नूरी का एज जो है पहले वो लिखना आपको कि 10 साल के बाद नूरी का एज कितना हो जाएगा। तो अगर अभी नूरी का एज एक्स है तो 10 साल के बाद 10+ हो जाएगा। अगर मान लो अभी 20 साल हो रहा है तो 10 साल के बाद 20+10=30 साल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 10 साल के बाद वाले में +10 करेंगे। उसी तरीके से जो सोनू का एज है वो अगर अभी वाई है तो 10 साल के बाद +10 हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हिंट जो हमको दिया हुआ है कि जो नूरी का एज है ना एक्स प्लस जो 10 है वो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, सोनू की उम्र का ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, यानी कि आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देना है सोनू की उम्र से इस बार। तो अब यहाँ से आपका सेकेंड इक्वेशन बनेगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 10 इक्वल कुछ साइड में 2i प्लस में 2 tan जा 20। ठीक है, अब यहाँ से अगर 10 को ट्रांसफर करेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2i प्लस में 20 माइनस में 10, तो एक्स इक्वल टू हो गया हमारा 2i प्लस में 10। ठीक है, ये बन गया हमारे इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर दो तो यहाँ पर हमारे पास कट हो रहा है क्या? तो बिल्कुल एक्स और एक्स जो आपस में एलिमिनेट हो जा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहीं पर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करूँगा। देखो यहीं पर बगल में सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ फटाक से। यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, मैं 1 में से 2 को माइनस कर रहा हूँ। तो 1 में हमारे पास एक्स इक्वल टू 3y माइनस में 10 है, तो यहाँ से अगर मैं इसके नीचे अगर मेरे को 2 लिखना है यानी इक्वेशन 2, तो एक्स इक्वल टू 2y प्लस में 10 हो जाएगा। दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस की साइन लग जाएगी, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास 0 हो गया। इक्वल के राइट साइड में हमारे पास 3 में से 2y माइनस होगा तो 1y आ जाएगा, जिसको हम लोग डायरेक्ट वाई लिख सकते हैं, 1 लिखने की जरूरत है नहीं। और यहाँ पर हमारे पास ये भी -10 है और ये भी -10 है, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस होगा लेकिन साइन माइनस की ही लगेगी, तो -20 हो गया। अब मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो -20 इधर आकर के +20 हो जाएगा। तो 20 इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा वाई, या फिर इसको आप लोग वाई इक्वल टू 20 लिख सकते हो, यानी कि सोनू का जो प्रेजेंट एज है वो 20 ईयर्स है। अब इस 20 को आप लोग कहीं पर भी पुट कर दो, जैसे मैं पुट कर देता हूँ, कहाँ पर पुट कर दो, दोनों इक्वेशन सेम ही है, मान लो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा मैं वाई इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में मेरे पास है एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई वाई है, तो 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस में 10 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर से 40 प्लस 10, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 50। तो यानी कि जो प्रेजेंट एज है, यहाँ पर आप लोग लिख भी दोगे, इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी का प्रेजेंट एज को हमने एक्स माना था, एक्स इक्वल टू 50 है यानी कि 50 ईयर्स। और उसी तरीके से यहाँ पर सोनू का एज को हमने वाई माना था, तो सोनू का एज कितना निकला, 20 निकला, तो 20 ईयर्स। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। येलो क्वेश्चन भी सेकंड वाला, उम्र वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा रहता है, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, टेंस डिजिट और वंस डिजिट, ये ध्यान रखना है आपको। मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ रीड करके, उसके बाद मैं टेंस और वंस वाला समझाऊंगा। इसमें बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, कोई सा भी हो सकता है, 10 से लेकर के 99 तक सब 2 डिजिट के होते हैं। तो 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम अगर निकाला जाए ना तो वो 9 निकलता है दोनों को प्लस करने के बाद। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि उस नंबर का अगर अपन 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 टाइम्स कर दें, तो वो क्या होता है, ट्वाइस हो जाता है, डबल हो जाता है। किसका डबल हो जाता है, तो द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, यानी कि अगर डिजिट को आगे पीछे कर दिया जाए तो जो नंबर हमको मिलेगा ना उसका डबल हो जाता है। शायद अभी आपको ओरली मैं समझा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं आपको एकदम डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूँगा, चिंता मत करो, भले वीडियो कितना लंबा हो। फाइंड द नंबर्स, तो नंबर बताइए कितना होगा, आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है हमको कि क्या करना पड़ेगा। यहाँ मान लेते हैं कि लेट द यूनिट डिजिट, यूनिट या फिर वंस, दोनों एक ही होता है, वंस टेंस पढ़े हो आप लोग ना, तो वंस को ही यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट है ना, टेंस के प्लेस में जो डिजिट है वो कौन सा होगा, तो उसको वाई मान लेंगे। तो अगर यूनिट वाला एक्स है और टेंस वाला वाई है तो जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा पता है आपको, सो द नंबर, द नंबर, नंबर बनेगा हमारा 10y प्लस में x। अब दिमाग यहाँ पर घूम जाता है बच्चों का कि सर ये कहाँ से आ गया, हमारे यूनिट में x है और टेंस में y है, तो इसको हम लोग वाई एक्स नहीं लिख सकते हैं क्या? तो बच्चा नहीं लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते वो समझो आप लोग। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, देखो यहाँ बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। मान लो कि अगर हमारे पास वंस के प्लेस में 2 है और टेंस के प्लेस में हमारे पास 3 है,
ठीक है, अगर मेरे को दोनों को नंबर बनाना है, यानी कि नंबर बना करके लिखना है, तो क्या मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको 3 × 2 कर सकता हूँ क्या? वाई और एक्स का मतलब क्या होता है, 3 वाई का मल्टीप्लाई एक्स से हो रहा है, तो 3 × 2 कर दूंगा तो मेरे तो 6 आ जाएगा ना। मुझे अगर ये दिया गया है कि वंस के प्लेस में मेरे पास 2 है और टेंस के प्लेस में 3 है, उन दोनों को मिला करके नंबर बनाओ, तो 32 तो बनेगा, ये तो मुझे पता चल जा रहा है, लेकिन कैसे 32 बनेगा वो समझो। 32 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि टेंस के प्लेस का 3 से, देखो इसको टेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर ये 3 है इसका मतलब ये 3 नहीं है, एक्चुअल में ये 30 है, तो टेंस के प्लेस में 3 का जो है 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस में वंस का प्लेस हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, तब ये जाकर के 30 + 2 यानी कि 32 बन पाएगा। समझ में आया, इस तरीके से होता है। तो उसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि अगर टेंस का प्लेस को हमने वाई माना है तो उसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में वंस का डिजिट को उतारेंगे, तब ये जो होगा मेरा एक्चुअल नंबर बनेगा, तब ये जाकर के जो भी नंबर होगा एक्चुअल वाला वो बनेगा। नहीं तो अगर आप लोग वाई एक्स लिख दिए ना तो वाई एक्स यानी कि 32 के बदले में वो 6 बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, कॉन्सेप्ट एकदम बहुत जरूरी है ये वाला। तो ये हमारा हो गया नंबर। अब हम लोग एक चीज़ और बोलता ना, रिवर्सिंग वाला बोला था, तो रिवर्सिंग वाला भी यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ कि आफ्टर रिवर्सिंग इस तरीके से लिख लोगे आप लोग, आफ्टर रिवर्सिंग, रिवर्सिंग मतलब कि उल्टा कर देना है, यानी कि जो टेंस के प्लेस में है ना वाई उसको आपको वंस के प्लेस में ले जाना है और वंस के प्लेस में जो एक्स है उसको टेंस के प्लेस में ले आना है। तो फिर मेरा जो नंबर बनेगा ये क्या बन जाएगा, 10x बन जाएगा और प्लस में वाई हो जाएगा। बस हमने क्या किया, जो डिजिट्स थे वंस के प्लेस में टेंस के प्लेस में उसको हमने आगे पीछे कर दिया, तो अब ये मेरा 10x प्लस में वाई हो गया रिवर्सिंग वाला। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला चीज़ क्या बोला था कि जो दोनों डिजिट है अगर दोनों डिजिट का सम किया जाए तो वो 9 हो जाता है। बस मेन देखो यही समझना जरूरी था, इसके आगे आपको बहुत आसान लगेगा, दो है ना, सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि x प्लस वाई अगर करते हैं, दोनों डिजिट को अगर सम करते हैं तो दोनों का 9 निकलता है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। दूसरा चीज़ हमसे क्या बोला था कि अगर हम लोग इसको 9 टाइम्स कर दें, यानी जो नंबर है ध्यान से पढ़ना, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम्स, तो 10y प्लस में x जो है इसका 9 टाइम्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इज ट्वाइस द नंबर ऑप्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो ये जो 9 टाइम होता है ना, 9 टाइम जब हम लोग इसको करते हैं तो ये क्या हो जाता है कि जो हम लोग रिवर्स किए हैं उसका वो ट्वाइस हो जाता है। तो रिवर्स करने के बाद जो नंबर हमको मिला है 10x प्लस में y, इसका क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, यानी कि डबल हो जाता है। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। फिर से समझो कि जो नंबर है उसको 9 टाइम्स करने के बाद वो नंबर जो है ऐसा बन जाता है कि अगर उसके डिजिट्स को रिवर्सिंग किया जाए तो उसका वो ट्वाइस हो जाता है, ट्वाइस यानी कि डबल। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 9 से कर दो, अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 90y प्लस में 9x इक्वल के उस साइड में 2 × 20x प्लस में 2y। ठीक है, वाई वाई को एक तरफ कर लेते हैं, चलो पूरा को एक तरफ कर लो आप लोग, नंबर नहीं बना यार कुछ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं होगा गड़बड़ मेरे को लगता है, 0 बचेगा। चलो ना सबको एक तरफ कर लेते हैं, एक्स वाई सबको इधर लेफ्ट मिल जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 19y माइनस में 2y प्लस में 9x माइनस में 20x इक्वल के उस साइड में 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 88y। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस में हमारे पास 11x इक्वल की साइड में हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर ये 0 हो गया है, एक्सीडेंट बार बार फिर कॉल आ रहा है, तो मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पर हमारे पास 88 है, यहाँ पर 11 है, दोनों को हम लोग अगर देखो यहीं पर अगर सॉल्व करना चाहो तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर कॉमन लेकर के और छोटा बनाना चाहें तो और छोटा ही बना सकते हैं, दोनों से 11 को कॉमन ले सकते हैं। देखो 11 अगर कॉमन लूँगा तो ये मेरा 8y हो जाएगा और इधर केवल मेरे पास x बच जाएगा इक्वल के उस साइड में 0, तो इससे फायदा ये होगा कि मेरा इक्वेशन और छोटा हो जाएगा। अब 11 चूंकि इधर मल्टीप्लाई में है, इधर इसको भेज दूंगा 0 के पास तो डिवाइड में हो जाएगा और 0 डिवाइड बाई 11 0 ही होता है, तो एक्चुअल मेरा जो इक्वेशन है वो 8y माइनस में x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मैं x को पहले लिखना चाहूँ तो माइनस x प्लस में 8y इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन 2 बनाना है। अब हम लोग देखो ये जो कॉमन लिए ना उससे एक और फायदा हो गया कि यहाँ भी मेरा x आ गया और यहाँ भी पहले से x था, तो अब दोनों हमारे पास पहले से कॉमन है, तो हमको अब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम, दोनों देखो एक माइनस में और एक प्लस में है ना, तो दोनों को ऐड कर दो, है ना, या फिर यहाँ फ्रॉम रम मत लिखो, डायरेक्ट लिखो ऐड इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, इक्वेशन 2 में हमारे पास माइनस एक्स प्लस में 8y इक्वल टू 0 है। ऐड करना है तो साइन वन चेंज होगा नहीं, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पर मेरे पास ये हो जाएगा 9y इक्वल टू 9 और 0 9 हो गया, y का वैल्यू चाहिए तो 9 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1, वाई का वैल्यू 1 निकल गया। अब इस वैल्यू को हम लोग कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये लिखता हूँ मैं y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1,
तो x प्लस में 1 हो जाएगा y के बदले में, इक्वल को साइड में 9 है तो x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 1, देन x इक्वल टू 8 आ गया। तो x और y का वैल्यू निकला है ना, अब हमको नंबर ही बताना था, ध्यान रखना कि नंबर पूछा है। सो नंबर, ठीक है, नंबर कितना होगा भैया, नंबर हमारे पास क्या था, टेन वाई प्लस में एक्स था, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले समझा ही दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा टेन मल्टीप्लाई में 1 प्लस में एक्स यानी कि 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन वन जै टेन प्लस में 8 इक्वल टू 18, यानी कि जो नंबर है वो मेरा 18 है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं है, सेकेंड लास्ट जो है फोर्थ नंबर का, इसे भी कंप्लीट करते हैं इसी वीडियो में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000। मीना एक बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट्स ऑनली। वो कैशियर से बोलती है कि मुझे केवल 50 का और 100 का ही नोट चाहिए, दूसरा नोट नहीं चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि 50 के नोट और 100 के नोट मिला करके जो बैंक वाला है ना, उनको टोटल 25 नोट्स देता है। तो हमसे ये पूछ रहा है, बताइए हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव। तो उसको 100 और 50 का कितना नोट मिला है ये बताइए। तो देखो, मैं फिर से ये चीज़ बोलूँगा कि देखो, हर टाइप का जो क्वेश्चन है सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस बुक में अब अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो बस एक टाइप का क्वेश्चन आप एक ही बार कर सकते हो ना, तो इसीलिए आप आर एस अग्रवाल की बुक भी जरूर सॉल्व करो, ताकि आपको अलग अलग टाइप के, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन मान लो दो तीन उसमें दिया ही रहेगा, तो आप दो तीन क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करोगे ना, तब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हुई रहेगी, नहीं तो आप भूल जाओगे। जैसे ये डिजिट वाले में भी आपको समझाया ना, यही अगर आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो दिमाग से उतर जाता है कई बार, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का। बाकी मैं सैंपल पेपर्स की भी वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसको उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा। और अगर कुछ डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे साथ, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाक से। तो देखो, यहाँ पर हम इस तरीके से लिख लेंगे कि मान लेते हैं कि 50 रुपये का नोट और 100 रुपये के जो नोट्स हैं वो टोटल कितने हैं, वो एक्स और वाई है। 50 रुपये के एक्स नोट उसको मिले हैं और 100 रुपये के वाई नोट्स उनको मिले हैं। अब हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाना है डायरेक्ट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या कहा जा रहा है भैया। तो पहले तो कहा गया था कि दोनों नोट्स मिला करके उनको टोटल कितने नोट मिले हैं, 25 मिले हैं, यानी कि एक्स और अगर वाई को मिला देंगे टोटल तो 25 नोट्स मिलेंगे। ये हमसे क्वेश्चन नंबर वन में, यानी पहला जो हिंट है वो हमको ये दिया हुआ था, इसको आप लोग इक्वेशन वन मान लो। सेकेंड में हम लोग को क्या पता है कि भैया 50 रुपये का और 100 रुपये का जितना भी उसको नोट मिला है, टोटल जो अमाउंट है वो कितना है। तो टोटल अमाउंट उसका था 2000 रुपये, यानी कि 50 का मान लो अगर उसको चार नोट मिला होगा, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे अमाउंट निकालने के लिए, 50 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी तरीके से हमको पता तो है नहीं कि कितने नोट मिले हैं ना, हम लोग तो एक्स माने हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 50 का एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50x हो जाएगा। उसमें प्लस कर देंगे, मान लो 100 को उसको वाई नोट मिले हुए हैं तो 100 का वाई से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि देखो हम लोग यहाँ पर अब अमाउंट निकाल रहे हैं, क्योंकि टोटल अमाउंट हमको बताया गया था 2000 है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 2000 आएगा। ये चीज़ समझ में आया ना, फिर से समझा रहा हूँ कि हमको पता नहीं ये कितने नोट मिले, हम लोग गैस किए हैं कि एक्स और वाई नोट मिले हुए हैं। मान लेते हैं कि अगर उसको 50 के चार नोट मिले हुए रहेंगे, तो हम लोग को कितना अमाउंट मिला है उसको 50 रुपये का, ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 का 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के 200 निकल करके आएगा, अमाउंट हमको पता चलेगा। उसी तरीके से मान लेते हैं कि 100 के उसको 10 नोट्स मिले होंगे, तो 100 के अगर 10 नोट्स मिले हैं तो टोटल कितना रुपए मिला होगा, ये जानने के लिए 100 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के 1000 पता चलेगा। तो हमको तो अभी ये 10 और 4 में लोग बस गैस कर रहे हैं ना, हमको तो पता है नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे उसके बदले में एक्स और वाई लिखेंगे, ये तो गलत हो जाएगा अगर नंबर लिख देंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब एलिमिनेशन करने के लिए हमको या तो एक्स को बराबर बनाना पड़ेगा या तो वाई को बराबर बनाना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ वाई को बराबर बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ 100y है, इसको भी मैं 100y बना सकता हूँ। कैसे बनाऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 100। इक्वेशन 1 का मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ये मेरा 100x हो जाएगा प्लस में 100y हो जाएगा इक्वल को साइड में 2500 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब 3 और 2 को सॉल्व करना है, तो देखो दोनों 100 100 प्लस में है, इसका मतलब आपस में सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं 3 से 2 को माइनस करता हूँ, तो यहाँ लिखूँगा मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2। आप लोग 2 से भी 3 को माइनस कर सकते हो, किसी को भी किसी से माइनस करो कि लास्ट में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो 3 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो 3 को पहले लिखना पड़ेगा 100x प्लस में 100y इक्वल टू साइड में 2500। नीचे में हम लोग लिखेंगे 50x, ठीक है, प्लस में 100y और इक्वल के उस साइड में 2000। अब माइनस करें तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और ये भी प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 100 में से 50 माइनस करेंगे तो 50x आ जाएगा, 100 से 100 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 2500 से 2000 माइनस करेंगे तो 500 बचेगा। हमको x की वैल्यू निकालनी है तो 500 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 5 वन जा 5, 5 10 जा 50 होता है, तो x का जो वैल्यू है वो यहाँ से 10 निकल करके आ जाएगा।
एक्स का वैल्यू 10 निकल गया है। अब इस एक्स के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे मुझे आसान दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1, तो वहीं पे पुट करता हूँ मैं एक्स इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1। तो एक्स के बदले में 10 लिखेंगे, उसके बाद प्लस में वाई है तो प्लस में वाई लिख दो, इक्वल टू से 25 है तो 25 उतार दो, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस में 10, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 15, यानी कि उसको 100 के कितने नोट्स मिले हैं, सो नंबर ऑफ 50 रुपी नोट। 50 रुपी नोट के कितने हमारे पास नंबर हैं भैया, तो 10 नोट्स हैं, तो 10 नोट्स लिख दो इस तरीके से, और रुपी 100 का कितना नोट है उसके पास, तो 100 का 15 नोट है, तो 15 नोट्स लिख दो इस तरीके से। आपको लास्ट में भी स्टेटमेंट जरूर लिखना और अच्छे से लिखना, मैं तो एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप अच्छे से इसको बना करके लिख सकते हो। तो ये भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है, आई होप ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और मेरी एडवाइस भी आपको अच्छी लगी होगी वो RSA वाला सॉल्व करने का। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट मुझे बताइएगा कि और ऐसी चीज़ों को कैसे किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के पास पहुँचते हैं। बाकी मैं जल्दी अपने एक और यहाँ पर क्या बोलते हैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्दी एक अपना ऐप बनवा रहा हूँ, MD सर के नाम से ही रहेगा, MD सर का लोगो लगा रहेगा, उस ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिएगा। उसमें मैं आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को समझाऊंगा डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, ठीक है। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो यहाँ पर 5th वाला क्वेश्चन जो है ना, ये सिमिलर क्वेश्चन है वो टैक्सी वाला जो हमने बनाया था ना, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि टैक्सी का एक फिक्स चार्ज होता है, टैक्सी को अगर हम बुक कर रहे हैं तो उसका इतना रुपये चार्ज लगेगा ही, फिर हर किलोमीटर के हिसाब से प्लस होते जाता है। तो सेम काम यहाँ पर भी दिया हुआ है, बस यहाँ पर टैक्सी के बदले में लाइब्रेरी यूज़ किया गया है। देखो इसमें बोल रहा है कि लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग जो टैक्सी वाला मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो 3.2 में था, ठीक है। यानी कि एक लाइब्रेरी से अगर आप बुक लेते हो तो फर्स्ट 3 डेज के लिए एक फिक्स चार्ज है कि आपको उतना चार्ज तो देना ही पड़ेगा, बुक लिया आपने तो 3 दिन के लिए आपको उतना चार्ज देना ही पड़ेगा, चाहे आप 3 दिन रखो या 2 दिन रखो, जितना दिन भी रखना है रखो, ठीक है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद फिर हर दिन का अलग अलग चार्ज लगते जाता है, ठीक है। तो सरिता जो है उन्होंने क्या किया, 27 रुपी पे किया फॉर ए बुक कैट फॉर 7 डेज। सविता ने एक बुक लिया, सरिता नाम की लड़की ने, उन्होंने बुक को 7 दिनों तक अपने पास रखा और टोटल उन्होंने 27 रुपी दिया, जो 3 दिन का चार्ज था वो तो दिया ही, प्लस 1 1 डेज का और जितना भी चार्ज लगा होगा टोटल मिलाकर 27 रुपये दिया उन्होंने। जबकि सुशी नाम की एक गर्ल है, उन्होंने क्या किया, 21 रुपीज दिया उस बुक को रखने के लिए 5 दिनों तक, यानी अपने पास 5 दिन रखी तो 21 रुपये लगा, 3 डेज का लगा ही, साथ ही 2 दिन का और लगा होगा, 4th दिन का और 5वां दिन का अलग अलग। तो बताइए फाइंड द फिक्स चार्ज, यानी जो फिक्स चार्ज है 3 दिन का ना वो कितना रुपये है, एंड द चार्ज फॉर द एक्स्ट्रा डे, और एक्स्ट्रा डे के लिए कितना चार्ज है वो भी बताइए, यानी कि एक एक दिन के लिए जो है एक कितना चार्ज लगेगा वो भी बताइए। तो एकदम सेम कॉन्सेप्ट बनेगा जैसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहाँ पे समझाया था, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा 3.2 वाला ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। बस चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले आप इस तरीके से लिखोगे कि लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, यहाँ पर 3 डेज मैं लिखना छोड़ दिया था गलती से, फिर मुझे ध्यान आया कि इसको भी लिखना पड़ेगा आपको, कि फिक्स चार्ज जो है 3 दिन के लिए वो कितना है, वो X रुपये है, एंड डेली चार्ज आफ्टर 3 डेज, यहाँ भी लिख लेना नीचे में, नीचे मतलब कि बीच में आपको लिखना अच्छे से कि डेली चार्ज जो है 3 दिन के बाद वाला वो Y रुपी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब डायरेक्ट आ जाना आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमसे क्या बोला था कि सरिता ने उस बुक को कितने दिनों तक रखा था, 7 दिनों तक रखा था, तो पहले जो 3 दिन है उसके लिए तो उसको X रुपी देना पड़ेगा, तो पहले 3 दिन का आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर पहले 3 दिन के लिए X रुपी उसको देना ही है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग X लिखोगे, ठीक है। फिर प्लस कर दोगे अगले 4 दिन के लिए, देखो टोटल 7 दिन है तो 3 दिन का अलग लगेगा और 4 दिन का अलग लगेगा, 3 दिन वाला फिक्स है, 3 दिन वाला तो X रुपी ही लगेगा, और जो 4 दिन हमारे पास बच गया है ना अगले 4 दिन, तो हर दिन का अलग अलग लगेगा, पहले दिन का Y रुपी लगेगा, फिर दूसरे दिन का भी Y लगेगा, फिर तीसरे दिन का भी Y रुपी लगेगा, और चौथे दिन का भी Y रुपी लगेगा, क्योंकि वो डेली चार्ज है, ठीक है। तो 3 दिन का X रुपी लग गया, और जो बच गए हैं 4 दिन, तो 4 बार हम लोग यहाँ पर Y थोड़ी लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, शॉर्टकट में 4Y लिख देंगे, समझ में आ गया। 3 दिन के लिए X लग रहा है और प्लस में 4 दिन के लिए 4 बार Y लगेगा, तो 4Y लिख दो, और टोटल मिला करके उसने 27 रुपी दिया था, तो टोटल 27 कर दो, ये बन जाएगा इक्वेशन 1। बाद में सुशी ने क्या किया, 5 दिनों तक बुक को रखा, तो 5 को हम लोग क्या लिखेंगे, अगर 3 और अगर इसको 3 दिन में हमको कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसको 3+2 लिखेंगे 5 को, तो 3 दिन का X रुपी लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर X लिख दो, और जो 2 दिन बच गए हैं तो पहले वाले 1 दिन के लिए Y और दूसरे वाले 1 दिन के लिए Y, तो 2 दिन के लिए 2Y हो जाएगा, तो 2Y लिख दो, और दोनों को मिलाकर उसने 21 दिया था, इक्वल टू 21 हो गया इक्वेशन नंबर 2। बस मेन यही समझना था, ये समझ लिए तो अब तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना ही गया, एलिमिनेशन मेथड आप सीख ही चुके हो, दोनों में X सेम है, दोनों प्लस के साथ है, तो दोनों को आपस में हम सबट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ लिखता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर देते हैं, X प्लस में 4Y इक्वल टू 27 है,
नीचे हमारे पास x प्लस में 2y इक्वल टू 21 है, माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, क्योंकि सब प्लस में तो सबकी साइन माइनस में हो जाएगी, ये तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस होगा तो 2y आ जाएगा, 27 में से 21 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 डिवाइड बाई 2, देन y इक्वल टू आ गया 3, यानी कि डेली जो चार्ज है ना वो 3 रुपये है। अभी उसको लिखेंगे बाद में, यहाँ पर आगे हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कहीं पर ही पुट कर दो, जैसे मान लो मैं यहीं पर y का वैल्यू पुट कर देता हूँ, y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x प्लस में 2। देखो मैं इक्वेशन 2 में क्यों पुट किया, कि थोड़ा सा छोटा नंबर था 1 के कंपैरिजन में, तो जहाँ छोटा रहता है वहाँ फटाक से हो जाता है काम। इक्वल टू 21 हो जाएगा, तो x प्लस में हो जाएगा 6 इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू हो जाएगा 21 माइनस में 6, देन x इक्वल टू हो जाएगा 21 में से 6 माइनस करेंगे तो 15 रुपी, यानी कि 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपये है, और उसके बाद फिर आप जितना दिन भी रखोगे तो डेली के हिसाब से 3-3 रुपी देना पड़ेगा। अगर अपने आंसर को आप चेक करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 3 दिन के लिए उसने 15 रुपी दिया था, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे सुशी वाले में देख लेते हैं, 3 दिन का उसने 15 रुपये दिया था और 2 दिन का उसको 3+3 और देना पड़ेगा, 1 दिन का 3 रुपये है, तो 3+3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 15 और 6 होता है 21 रुपये, यानी टोटल 21 उसने दिया था और हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है उसके हिसाब से भी 21 आ जा रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे फिक्स चार्ज जो है ना 3 दिन के लिए, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज जो है वो 15 रुपी है, और डेली आफ्टर देयर है ना, आफ्टर 3 डेज डेली चार्ज जो है ना, डेली चार्ज वो कितना भैया, तो वो हमारा ₹3 है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये पूरा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया लेकिन आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, पूरे एक्सरसाइज मैंने इसीलिए करा दिया ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम दिमाग में फिट हो जाए, अलग अलग आपको बार बार वीडियो ना ढूंढना पड़े। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बहुत मेहनत लगा बच्चे लोग, अपने फ्रेंड लोग से एकदम दबा के शेयर कीजिए, केवल एक फ्रेंड से मत कीजिए, 15-20 फ्रेंड से कर दीजिए, जितने भी क्लास में ना सबसे शेयर कीजिए, अपने स्कूल के ग्रुप में ही डाल दीजिए वीडियो को, ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिल सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कराऊंगा, और ये जितने भी मैंने सॉल्यूशन कराए हैं इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।